यार मैडम हो रही, मैं तो जान रो मौज मस्ती कर लेंगे, वाने तो घरे भी पिटवाया यार, स्कूल में पीटे हने। यार वसीम अपनी अच्छी कम बक्ति आ गई, अगर स्कूल ना पहुंचा तो मैडम मारेगी और घर गया तो घर वाला मारेगा। हम यारी ढुआकरी कहो कहा बतला रहा तुम रांडीन की तरह, स्कूल ना जाएंगे तुम। ए बाप कुछ ना बतला रहा, मैं तेनु बतला रहा भाई, पहले मैं नहा लू फिर तू नहा लियो। मेरे लिए तो नहाओ या मत नहाओ, मगर तुम दोनों का दोनों स्कूल चले जाओ। ए बाप जात रहे हैं तो मैंने बात गरम हो रो। ए मेरी ढोकरी का चुपचाप टड़क जाओ ने तमें और गरम कर दूं मैं। ए भाई चले आपा, नहीं तो बाप ने सुबह सुबह ही धुलाई कर देगा और मैडम भी फिर काटेगी ढंग से स्कूल में, पहले ही चल दे आपा। हाँ मेरी ढोकरी का गुनगुनाओ मत, चुपचाप चलो जाओ। ए बुढ़ा तू जब कहले लगो रहीन बालकन के पीछे, ना रोटी पकी ना तू पको, बिन खाए खंदांगो किन ने। बुढ़ी तू चुपचाप रह, तेरी बिगाड़ी हो ला दियो। हाँ ए बुढ़ा जब तू मेरे सिर काए रु पड़े, मैं कहा के हूं इनसु, मैं तो सहूर की के हूं इनसु, मैं कौन सुनू के हूं तुम स्कूल मत जा करो। ए पर का इनके ही ने वही के सिर पड़े तो कहवे, मैं तो कहूँ जब भी मेरा नाम और ना कहूँ जब भी मेरा नाम, तो मेरा नाम बदनाम कर रखो। सब कोई नु कह दिए माँ की बिंगाड़ी औलाद, माँ की बिंगाड़ी औलाद, माँ कौन से नु कहे तुम बिंगड़ो औलाद, बाप ना रहे पतो, बाप कौन से पतो ना, सब चीज की पतो रहे बाप। हाँ मेरी ढोकरी को काय नु बोल रही है, तू तो फै फै कर रही है, बूढ़ो तो बाहर को रे, तम ही रहो घर में, तू पतो होएगो। मुँह अपना जीत जा तो सु जीते ने वो भी तो ज्यादा दे जो तो जीते अपना जीत जाते। आराम यार डुआकरी का अभी तो ही नहीं खड़ा होता, मैंने खड़ा हो ही नहीं, अभी तो हमारी लड़ाई ही नहीं सुन रहा होता, मैंने कैसे कैसे लड़ रहा है माई बाप। ए बाप तुम्हारी लड़ाई ना सुन रहा, हम तो रोटी इनकी बाढ़ देख रहा, रोटी मिल जाएगी ना है तुम रोटी वोटी, तुम भूखा जाएंगे जब पतला, चले जाए डुआकरी का खून पी लियो तुमने। जा रहा बाप जा रहा, तेरे भी सवारी ना है, उल्लू का पट्टा जाते जाते तुम इतनी टाइम होगा, मैं टेंट पे खड़ा हो जब सुतम है, जाएंगे ना ही सुतम। तेरी ना बनाई तो नहीं पतली पतली आवाज मोट मोट कर रखा भाई, तो आदमी गोडी से मारू चाहे कुछ भी हो जाए। बाप जा रहा है, बाप जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा। भाई देख ले कैसे करियो मैडम ने, घरे भी पिटवाया और खुद भी स्कूल में पीटे ने। भाई तो चुप रहे कोई बात ना है, या मैडम पे सुने सट्टे तो बल दो लिखाड़ो बहुत मारा बाबा ना पा। भाई तू सही कह रहो, अब स्कूल चले चल। ए भाई तू चला, ए भाई तू चला गए, तू बड़ो ए तू चलेगो, भाई तू चला गए मैं बड़ो मु मैडम पीटेगी। ए दोनों भाई साथ साथ चलेंगे चल। मैडम अंदर आ जाके, इतनी लेट आया अभी ये पूछ रहे अंदर आए नहीं आए, आ जाओ जल्दी सी। आप इतनी लेट क्यों आए हो? मैडम जी मेरी मम्मी की मेरे बाप की लड़ाई होगी, हम उन्हें देखने लगा, मजा आ रहा देखते। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, या तो अपनी मम्मी की लड़ाई हो या आपके पापा की लड़ाई हो, ठीक है मुझे आप यहाँ पर टाइम पे चाहिए। ए मैडम काय लोग गुस्से हो रही है तू, कल सोम टाइम सो आ जंग खड़ा होते ही आ जंग हो भी ना दू स्कूल में बैठा पाऊंगा। तू तुम्हारा रोज का यही काम है, कभी कुछ बहाना लगाते हो कभी कुछ बहाना लगाते हो, आज तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा, ठीक है दोनों खड़ा हो और मुर्गा बनो। अरे मैडम मेरी मम्मी ने बनाया मुर्गो, तो तू पहल कहती मैं लेना आ तो घर से डिब्बा में करके नहीं। अरे बुद्धू वो वाला मुर्गा नहीं, मुर्गा तो आप दोनों का बनेगा यहाँ पे। मैडम कैसे बने मुर्गो, हम पे बनते और ना हुए। ऐसे करो दोनों हाथों को ऐसे करके नहीं और ऐसे कान पकड़ लो, ठीक है। चल तो भाई बन जा मुर्गो, हमारा तो यहीं भी जीनो हराम है, घरे भी जीनो हराम है। चल तो भाई बन जा, आ जा बन। भाई ऐसे मत के मैडम ही नहीं डोल रहे, नहीं डबल मुर्गो बना देगी अपन। हाँ तो बच्चे मैंने आपको कल काम दिया था ना, वो अभी क्या है नहीं किया। भाई भाई मैडम तो आपका काम चेक कर रहे, इतना पर सत्य लिया है। भाई ये मेरी हीन सुब कड़ी दुख रही है, हीन सुब दुख रही है, अब क्या करें, मेरी इतना आड़ दुख रही है। तुम क्यों खड़े हो, एक तो लेट आए हो ऊपर से खड़े हो रहे हो ना, बड़ा मुर्गा
दिखा रहे हो? मैडम तू बना ले कितने एक मुर्गो बना का है, पूरा बल तो लेना, ब्याज लगा के पूरा बल तो लेना। तो सुनो अभी क्या गुस्सा पुस कर रहे हो तुम दोनों? और ये क्या आप लोगों ने ये क्या कर दिया? ये पता नहीं कैसे अजीब सी बदबू आ रही है। ठीक है आप अच्छे से मुर्गा बना रहे हो, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक खड़ा मत होना, ठीक है? ए मैडम बना तो पड़ा ही, घरे जा तो घर का ना टिकन दे, ही ना तो तू ना टिकन दिए। देखो मेरी बात सुनो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता, आपको कौन पीटता है कौन नहीं पीटता। आप जब तक मैं नहीं बोलूं आप मुर्गे बने रहोगे तो बनो रहोगे, ठीक है? ए मैडम जब तो छोड़ दे, अब मेरा हाथ पाँव दूंगा, पेट में सिर दर्द हो रो। सिर दर्द? ये पेट में कब से होने लग गया सिर दर्द? ये तो मैंने आज नई बात सुनी। मैडम जी जब सो रहो मेरे पेट में सिर दर्द, जब सुते मुर्गो बनायो। मैडम जी मुँह दो नंबर लग रो है। ये दो नंबर क्या होता है? ए मैडम वो से तू बाड़ा कन पड़ान लग गई, जाने ना एक नंबर दो नंबर का इसके वे। एक नंबर कहवे बाथरूम सु, दो नंबर कहवे लेटरिंग सु। मुँह लग रही नहीं, ही नहीं काम कर दूंगा मैं। तभी तुम ठंडी ठंडी हवा छोड़ रहे थे, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। और आप जल्दी मुर्गा बन जाओ अभी, आप आपकी सलाह है कहीं जाने की, बन जाओ जल्दी। वो तो भागो पेंट छोड़ा के नीर मुंह फसा गो ही। आप तब तक मुर्गा बना रहे हो, अभी आता दो मिनट में, ठीक है? ना तो मुंह एक नंबर आ रही ना दो नंबर आ रही, मैं तो बाहन लगार भगकायो स्कूल सु, मैडम सु बाहन लगा भगया है वो नारी, कुछ मेरी कड़ी में दर्द हो रो जिसका इन लठन सुमार हो। कितलो मैडम एक मास्टर है, आंख तो मेरे अल्लाह टाइम टाइम से ले लिया पर शरीर है सो भी 16 साल की को। हाँ जी आंटी जी यहाँ हूँ मैं, मास्टर नहीं मैं हूँ, आ जाओ। मैं तो मास्टर की पूछ रही हूँ, मास्टर की मैं कायलू कर रही है, कौन है तू? अरे आंटी जी कौन नहीं हूँ मैं ही हूँ मैडम इधर की, ठीक है आ जाओ। अरे बेटी मेरे आंख तो गई है जो गई है, मोस लगे ऊपर वाला मेरा कान भी ले लिया हो टाइम टाइम सुई। बेटी लाली ऊपर मैं धे रहे ने इन कानन ने साफ करवाया हूँगी फावड़ा सु। हेलो। हाँ तो आंटी जी आप बताओ आपका कैसा आना हुआ था यहाँ पे? अरे बेटी अरे लाली मैं तो यहाँ बावड़ा सा लाई, ये दो तीन दिन होगा रोड मिचा रखिया ने बाड़ो है पड़ो रो रो के नहीं। अब नु कहवे मेरा एडमिशन करवा। मैंने इसके ही बावड़ा तू बावड़ो में ले चलूंगी तू मेरे कान ने खारो कहारे एडमिशन लाली। हाँ तो आंटी जी एडमिशन उसे कहते हैं, तब बच्चा आता है ना स्कूल में दाखिल होता है तो उसका नाम लिखते हैं, उसे कहते हैं एडमिशन, ठीक है? उसके बाद में पढ़ाई चालू होती है। अरे मैडम लाली मैं तो समझाती पागल हुई पड़ी हूँ, वे कोई उम्र है पढ़ने लाग है? दुनिया का इतने तो जवान जवान हो रहा वो भी ना पढ़ रहा, अभी बता एक पढ़ ना कोई उम्र है के? मैं सुनू कह रही लाला मत तू करे तू, यानी मैं तीन चार दिन से धपा रखी हूँ आप इना चलो जा मैं कैसे तो आई हूँ। अरे आंटी जी आप तो खामोखा परेशान हो रही है, अभी तो इसकी पढ़ने की उम्र है पता है, फिर बड़े हो जाते इसकी शादी भी हो जाती है, फिर बच्चों को पालता है फिर खुद पढ़ता है वो, ये तो सोचो आप। हाँ कर ले बेटी एडमिशन कर ले, कह रहे एडमिशन एक एडमिट रह कर ले लाली। और नू बता दे अब मेरा भी हो जाएगा क्या एडमिशन है लाली? मैं भी आ जा करूँगी धीरे से पढ़ लो जासू। आंटी जी ये बताओ आपकी उम्र कितनी होगी? अरे लाली उम्र की मत पूछे बस तू, उम्र तो मेरी 75 साल की होगी, अपर ने शरीर मेरा ऐसो आज भी 16 साल की इनमें ऐसो कैसो ये। हाँ तो आंटी जी आपके बच्चे का तो एडमिशन हो जाएगा है ना, और आपकी मैं कल बताऊंगी, इसको छोड़ना है ना तब पूछ लेना मुझसे, ठीक है? ठीक है फिर मैडम लाली जाऊँ मैं घर लो। ठीक है तो आंटी जी आप चले जाओ, और वैसे भी छुट्टी का टाइम हो चुका है, अब वैसे भी छुट्टी करने वाले हैं हम। छोलू राम बधारे करे कल्याण सदारे। अब आए आप, कितना टाइम हो रहा है आपको, टाइम का पता है? छुट्टी का टाइम हो गया कब गया आप ये पता है आपको? पूरा 2 घंटे हो गया, 2 घंटे में आती है आपकी 2 नंबर। ऐसे नहीं मानोगे आप, हाथ करो। अरे मैडम लग गई उसको, करो पता चल रहा आपको, तू भी कर। अरे मैं बोल दो अरे मैं बस तो मैं और चले यहां से। पांक अब सुबह टाइम से आ गया ना।
भाई है मैडम को नाम लिख ले के एक डंडा दिया गिन के डंडा नोर लिख ले ब्याज लगा पूरा हिसाब कर लो पूरा हिसाब कर लो बात हां ठीक है कल संडा तेरे के एक डंडा पड़ा दिखायो वो लाल कर दियो हन पांग या के देख या के बालन काट देती मैडम बढ़िया रहती है लंब लंब कर रखा जी उतर का दिन बालन पकड़ के दीदी मारे गया हम कुर्सी में पांग बा मैं तो लिख रहा हूं मैडम का नाम है लिख ले डंडा नोर लिख डंडा नोर लिख गुन्नीस डंडा दिया इन्हें बहुत बुरी करी आज हमारे साथ भाई मैडम गुन्नीस डंडा लिख लियो मेरा और एक बूढ़ो और आयो लगा के बाल दो लियो ब्याज लगा के वाह को एडमिशन करवा रहा है तो भाई ओ बूढ़ो सो आयो एडमिशन करवा लियो लातन दे रो मेरे लातन दे रो या को दादस लग रो मु चले तो भाई घरे चले अगला पाठ में लेनो बाल दो मैडम सु देख कितनी एक बड़ी मैडम है जब भी करेंगे साहब।